हो रही है कि वो बहुत नजदीक नजदीक चुनाव आके हार जा रहे हैं। गलती नहीं हो रही है, सरकार की सेटिंग है, ईवीएम से सेट करके अब प्रत्याशी को हराया। किसी को पूछा यार ये तो ठीक है आंकड़े वाकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया। इसका बदला इनसे लेगी, समय आने पर इतना तगड़ा बदला लेगी कि कहीं के नहीं रह जाएंगे। हमारा लिस्ट में नाम आएगा। बीजेपी को वोट देने वाले आपसे बात करने में हट रहे हैं, वो सामने आकर बात नहीं कर पा रहे हैं, तो और कौन करेगा बात? ऐसे कहेंगे कि यहाँ तो चुनाव जीत जाएंगे, हम नहीं कह सकते। अगर बेईमानी करेंगे हो सकता है भाई जीत। बहुत कुछ कर रहे हैं भाजपा, रोड बनवा रहे हैं, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। ये सपा में तो गुंडागिरी था। काम अच्छा हो रहा है हमारे नगर में, रोड काम अच्छा हो रहा है। ये क्यों बता नहीं रहे? और पांच काम अपना गिना देना। सबको फंसा लिया गया है, ये सरकार सबको अपने कब्जे में कर ली है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय क्या माने। सामने आकर बोले ना कि क्या अच्छा काम। भैया इनको गिना दीजिए, बढ़िया काम गिना दीजिए आप। अरे गिना दीजिए, चुप करा दीजिए इनको आप। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि आप नथनी और मंगल, जिसको मंगल सूत्र के अपने नहीं रक्षा कर पाए दूसरे को क्या करेगा। माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं। 12,500 वोटरों को, पुराने वोटरों जो जीवित है, न मरा है, न कहीं गया है, कुछ नहीं, उसको 12,000 वोटरों को हटा दिया। ये सब लोग बेईमानी न किए तो, लेकिन बेईमानी करेंगे क्योंकि चिल्ला रहे पहले से ही कि नौ को नव हमारा है, नौ को नव हमारा है। 1,000 सिलेंडर ले रहे हैं, अगर हम 50 रुपए गल्ला दे दे क्या हमको मिल रहा है? कुछ मिल रहा है? भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बना दिया। अब जब भ्रष्टाचारी ही उस पे बैठा हुआ तो उसको क्या दिखेगा? तो अभी हम मौजूद हैं फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में और लोग से बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या वाकई उपचुनाव में क्या है माहौल यहाँ पे। आपको बताता चलूं, यहाँ पे उपचुनाव होने का खास कारण यह है कि यहाँ पे 2022 में प्रवीण सिंह पटेल यहाँ से विधायक थे, 24 में भाजपा ने केसरी देवी पटेल का टिकट काट के प्रवीण सिंह पटेल को टिकट दिया और वो यहाँ से सांसद बन गए। सांसद बनने के बाद ये सीट अब खाली हो गई है, अब यहाँ पे उपचुनाव होने जा रहा है और यहाँ पे एक बार भाजपा ने पटेल वोट साधने के लिए केसरी देवी पटेल के बेटे दीपक पटेल को यहाँ पे उम्मीदवार घोषित किया है और सपा ने एक मुस्लिम कार्ड और यादव को साठ गांठ सेट करने के लिए मुस्तफा सिद्दीकी को यहां से टिकट लिया है दिया है। और भी बहुत ढेर सारे यहां पे बसपा हो, आजाद समाज पार्टी हो, निर्दलीय हो, और भी कई लोग हैं, लेकिन लड़ाई में जो मेन देखा जा रहा है यहां पे भाजपा और सपा के बीच में है। आपको एक चीज और बताता चलूं कि यहां पर जो लड़ाई हो रही है, यहां पे 2,000-4,000 के अंतर में ही हार जीत हो रही है। 22 का चुनाव हो, 24 का चुनाव हो और अब उपचुनाव हो, यही जानने के लिए हमारे साथ कुछ लोग जुड़ गए हैं। आइए बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं वाकई उपचुनाव में क्या माहौल है। क्या भैया क्या लग रहा है, क्या माहौल है उपचुनाव में? माहौल समाजवादी पार्टी का चुनाव निकलेगा। समाजवादी पार्टी क्या लग रहा है? समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसी क्या गलती हो रही है या क्या चीजें हो रही है कि वो बहुत नजदीक नजदीक चुनाव आके हार जा रहे हैं? गलती नहीं हो रही है, सरकार की सेटिंग है, ईवीएम से सेट करके अब प्रत्याशी को हराया जा रहा है। लेकिन ये तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय भी मानने को तैयार नहीं कि ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। सबको फंसा लिया गया है, ये सरकार सबको अपने कब्जे में कर ली है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय क्या मानेगा। चुनाव होने के बाद भी बैटरी डिस्चार्ज होती है, उसके बाद भी ईवीएम का मशीन 99.0 चार्ज दिखाता है, कैसे दिखाता है? हरियाणा चुनाव पहुंचा दिया आपने। हाँ, हरियाणा चुनाव का आप देख लीजिए, मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा। आप बैटरी स्विच ऑफ फुल करके स्विच ऑफ करके रख दो, एक हफ्ते बाद खोलोगे कुछ ना कुछ तो कम रहेगा ना। और वो कैसे नहीं कम होता, दिन भर वोट भी पड़ा है उसके बाद भी फुल चार्ज है। तो यहाँ पे जाति समीकरण साधने के लिए जिस तरह यहाँ पे कोई पटेल वर्ग से ही भाजपा दांव पेश खेलते आई है वो कितना हद तक, क्योंकि यहाँ पे इस बार जो चुनाव का मेन मुद्दा है वो क्या है, किस पे लोग इस बार वोटिंग करेंगे? चुनाव का मुद्दा यहाँ यही है कि बेरोजगारी, हाँ,
और महंगाई, यही सब जनता को ध्यान रखते हुए समाजवादी की सरकार बनाने में सब लोग तत्पर हैं। अब हालांकि ये एक चीज और बताता चलूं, 9 सीट पे उपचुनाव हो रहे हैं यूपी से, और ये सीट जीतने हारने से सरकार इधर उधर नहीं होने वाली, लेकिन फिर भी इसको एक तरीके से सेमीफाइनल मैच देखा जा रहा है, क्योंकि सेमीफाइनल है सेमीफाइनल में, तो सेमीफाइनल में आप लोग सपा की तरफ साथ दे रहे हैं, क्यों यहाँ पे केसरी देवी पटेल को आप लोगों ने सांसद बनाया, प्रवीण पटेल को आप लोग ने विधायक बना के फिर से सांसद, 5 साल सांसद रहे ना, हम लोग केसरी देवी को सांसद बनाना चाह रहे थे, ना प्रवीण पटेल को बनाना चाह रहे थे, बनने के बाद भी ये लोग ना कोई कार्य किए हैं, ना कभी क्षेत्र में दिखते हैं, अब कैसे बन जाते हैं ये सेटिंग की बात है, ना इनको पब्लिक, आप किसी भी पब्लिक से पूछिए तो इनको कभी चाहती नहीं है, ना कोई काम क्षेत्र में किए हैं ये लोग, और क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है, और हर गाँव में जहाँ ये लोग जा रहे हैं वहाँ से भगाए भी जा रहे हैं, उसके बाद भी कैसे जीत जाते हैं ये समझ के परे है। अच्छा, एक चीज नहीं समझ आया, जैसे केसरी देवी भी पटेल ने 2019 में यहाँ से सांसदी बनी, 24 में उनका टिकट काट दिया गया, अब उनके बेटे पे दांव खेला गया, तो कहीं ना कहीं केसरी देवी पटेल का कार्यकाल बढ़िया था क्या? अभी केसरी देवी को 1-2 दिन पहले ही बगल वाले गाँव से भगाया गया। अच्छा, कौन सा गाँव? बगल वाला गाँव है, गाँव न पूछे उसको तो ज्यादा बेहतर रहेगा, बगल का गाँव था, गई थी प्रचार करने के लिए, लोग इनको बैठने नहीं दिए और वहां से भगा दिए, क्योंकि ये 5 साल दिखी नहीं थी, लोगों ने यही कहा कि आप लोग ना कोई विकास करते हो, ना कोई काम इस सरकार का है, सरकार सिर्फ तोड़ फोड़ का काम कर रही है, समाज में लड़ाने का काम कर रही है और देश को बेचने का काम कर रही है, इसलिए हम लोग इस सरकार को नहीं चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये लोग कहाँ से बनते हैं ये समझ के परे है। अच्छा, सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि जो है आइए और भी लोग से बात करते हैं, सरकार बड़े बड़े दावे, कार्ड दे दिया 5 लाख का मुफ्त इलाज, राशन मुफ्त कर दिया, आ रहा हूँ आपके पास भी आ रहा हूँ, थोड़ा और लोग कहीं मत जानने फिर आपके पास आते हैं। जी, जो दावा कर रहे हैं उसका जमीनी हकीकत कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना, आप बताएं, तब यही चीज हम जानना चाह रहे हैं आप लोग से कि क्या ये जिस तरह मंच से 5 लाख का ढिंढोरा पीटा जा रहा है ये वाकई धरातल पे कितना, हाँ उसमें दिखाई नहीं दे रहा है ना। दरअसल अभी जाओ हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए ना तो 13 मेल के बहाना बताएंगे कि पहले भर्ती हो, ऑपरेशन होगा तब इसका फायदा मिलेगा। अच्छा। ना तो मान लीजिए नहीं भर्ती होना तो उसको कुछ नहीं मिलना है ना, तो उसका कोई खास फायदा मिल नहीं रहा है लोगों को। अच्छा, कोई खास, और जैसे आप लोग को राशन मुफ्त में दे रही सरकार, कह रही है कि पहले आपका पैसा, तो राशन तो पहले ही मुफ्त मिलता था, नहीं कुछ पैसा आपको 50 रुपए देना पड़ता था ना, कह रही है कि आपका वो भी सीधा बच रहा है, क्या कह रही है वो पैसा बच रहा है, जो भी आप 10-50-100 जो भी देते थे वो बच रहा है आपका, उससे कुछ नहीं होता सर, 50 रुपए क्या मतलब, क्या भैया बताएं क्या लग रहा है यहाँ पे, 1000 सिलेंडर ले रहे हैं, अगर हम 50 रुपए गल्ला देते क्या हमको मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। अब ये जो आयुष्मान कार्ड दिए हैं, किसी हॉस्पिटल जाओ कि मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आदमी कहाँ जाए भाई, लेके टहल रहा है तो मजबूरी है, अपने से इलाज करा रहा है, ये बीजेपी है, झूठ की पार्टी है। हाँ। नहीं, लेकिन अच्छा ये बताइए, लोग तब भी इनको पूरा, अभी हरियाणा में भी अच्छी खासी बहुमत से मतलब लड़ाई हो के, आप ही थानेदार, आप ही कोतवाल, तो क्या करेंगे भाई, आपके जज, आपके हाई कोर्ट, आपके सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयुक्त आपका, क्या करेंगे हम लोग, मतलब आपको अब क्या न्यायालय पे भी भरोसा नहीं रहा, नहीं भरोसा है, नहीं भरोसा है, कैसे, क्योंकि अगर इस तरह रहा तो हमारा तो संविधान खतरे में है, कैसे आप इसकी रक्षा करेंगे? रक्षा होगा, सबसे बड़ी मुद्दा इसमें कि किसानों का है, 70% किसान है, सबसे ज्यादा वोटिंग वही करता है, आज भी लोग परेशान हैं खाद के लिए, सांड और गाय से परेशान हैं, और दूसरी चीज लोग आधार कार्ड बनवाने के लिए परेशान हैं, आज तक आधार कार्ड लोगों नहीं बन रहा है, लाइन लगवा रहे हैं, 10 रुपये फीस है तो 300-400 रुपये उसका लग रहा है, सरकार का काम है, चाहे जो सरकार आएगी उसका काम लोगों का विकास करना है, अलग अलग सरकार का अपना अलग अलग मुद्दा होता है, तो ये सरकार तो कह रही है कि हमने बहुत विकास किया, रोड बढ़िया कर दी, लाइटें सही कर दी, हाँ ना उनकी प्राथमिकता थी, रोड बनाई है और बनाई गई है, वो अलग चीजें हैं, लेकिन जो बेसिक समस्याएं हैं, आदमी केवल रोड पर, हर किसान नहीं चलता है, रोड व्यवसायिक गाड़ी चलती है, धंधों वालों की चलती है, अंबानी चलती है, रानी चलती है, लेकिन किसान आदमी खाद के लिए लाइन लगाया है, धान रखे, काम करे, ये सब समस्याओं विचार करने, जबकि सबसे ज्यादा मतदाता किसान ही हैं।
क्या भैया क्या कह रहे हैं? रोड इतनी बढ़िया बनी है, यही हमारे सांसद जी हैं, इनके ननियाल है यहाँ सिहीपुर में। आप यहाँ जाइए, प्रवीण सिंह पटेल, आप रोड देख लीजिए, खड़ंजा दिखाई दे रहा, गिट्टी एक नहीं है। अब बताइए ये देश के विकास होगा? नहीं, कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में बड़ी बड़े जो है रिंग रोड आ गए, सांसद विधायक आप नहीं संभाल पा रहे हैं तो देश क्यों जा रहे हैं आप? भैया पहले अपना देखें, जहाँ हम चल रहे हैं आ रहे हैं, आवागमन हमारा है, वहाँ रोड खराब है, हम देश में क्या है, कौन सा एक्सप्रेस वे बना है, कौन सा हाईवे बना है? आधे लोग तो हाईवे चढ़ नहीं पाएंगे। भाई हमें तो अपने लोकल सड़कों से मतलब है ना, हम हाईवे क्या करने जाएंगे? साल साल दस साल भी जाता है, कभी हाईवे देख नहीं पाते हैं। भैया क्या कह रहे हैं? जमीन जो किसानी चली गई है और सर्किट रेट पर गई है, सर्किट के चार गुना कहे थे देने के लिए और दिया नहीं, किसान कितना परेशान है, एक बिस्सा जमीन एक बीघा नहीं खरीद सकते। कह रहे किसान बहुत खुश है एकदम। कहाँ किसान खुश है, 2000 देने इस किसान सुख हो जाएगा? ऐसा तो है नहीं, कैसे होगा बताइए? गरीब आदमी महंगाई से टूट गया है, बोलिए क्या चीज है? वित्त मंत्री है वो तो सांसद में संसद भवन में खड़ी होकर कहती है कि महंगाई है नहीं, प्याज हम खाते नहीं। प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, लेकिन अन्न खाते हैं और चीजें खाते हैं, टमाटर गाजर हलवा खाते हैं, नहीं खाते चीनी खाते ही नहीं खाते, कुछ तो खाते हैं, उसकी भी रेट बता दें, वो भी मालूम हो जाएगी उस पर महंगाई है कि नहीं। गरीब आदमी थोड़ी सी चिमनी में मिट्टी तेल जला करके गुजर कर लेता था, आज 1200 रुपया उसका बिल आ रहा है, बोलिए चार गुना बिल हो गई बिजली की, बिजली दे इससे क्या फायदा, कोई है फायदा? गरीब आदमी के पास बिजली कहाँ ले, बिजली जो है हमने 18 घंटा दे रहे हैं, सही है ये तो गलत नहीं है, लेकिन उस 18 घंटे में जो 300-250 आदमी देता था गुजर करता था, आज उसकी क्या हालत है? वो बिजली कम आती थी, अब बिजली ज्यादा आ रही, तो खपत ज्यादा। भाई 2 घंटा आप बिजली बढ़ाएंगे तो 3 गुना पैसा बढ़ाएंगे, 2 घंटा बढ़ाए तो भाई 350 बिजली आती थी, तब उसको 400 कर दीजिए, 450 कर दीजिए, 1200 तो नहीं हो सकता ना, 1200। तो क्या लग रहा है ये फूलपुर विधानसभा में इस बार क्या होने वाला है? फूलपुर समाजवादी बहुत बेहतरीन वोट उस जीतेगी, समाजवादी मुस्तफा सिद्दीकी, मुस्तफा सिद्दीकी, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह देखा जा रहा है 22 में जो है आप लोग ने 19 में केसरी देवी पटेल को सांसद बनाया, 22 में प्रवीण सिंह पटेल को आप लोग विधायक बनाए, बेईमानी से सत्ता के बल पर हुए, सत्ता के वोट से नहीं। अच्छा अखिलेश यादव ने इस चीज के लिए एक अहम बात आपको बताता चलूं, आपको ये क्लिप भी मैं प्ले कर दूंगा इस वीडियो में, अखिलेश यादव ने फूलपुर विधानसभा में हुए जो 2024 में चुनाव हुआ था लोकसभा का, उस पे आरोप लगाया कि यहाँ के जिला अधिकारी जो हैं उन्होंने यहाँ पे बेईमानी से हरवा दिया है और हमारी सरकार आएगी तो इस चीज़ का हिसाब होगा, क्या वाकई कुछ ऐसा नहीं, हिसाब अलग चीज है, वो नेता बड़े हैं क्या बोल रहे हैं उससे, धरातल जानना चाह रहे कि वाकई बेईमानी हुई। हम लोग आम लोग हैं, मतदाता हैं, हमसे क्या दुनिया समझी है, क्या मतलब? हाँ, इस बार आप 4000-5000 क्यों जीत रहे हैं? अगर आपकी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है तो 10000-15000 क्यों जीत रहे हैं? इसके पहले जो है 1,60,000 से जो जीते थे, इस बार ये जो जीत रहे हैं 10-12,000 वोटों से, मतलब जनता यहाँ पे ऐसे नहीं हरा पा रही तो वोटों से हराई दे रही। हाँ, वोटों से हरा, अगर आप 1,60,000 पाए हैं उसके बाद जस्ट चुनाव में आप 12,000 जीत रहे हैं, इसका मतलब आपको जनता नकार रही है, जनता नकार रही है, क्या भैया क्या कह रहे हैं अब आप बताइए? जनता इनको पूरी तरीके नकार रही है, जो वहाँ सरकार बैठी हुई है सब बेईमानी की सरकार बैठी हुई है, वहाँ ज्यादातर सांसद सब हारे हुए बैठे हुए हैं, ये जनता का अपमान है, जनता इसका बदला इनसे लेगी, समय आने पर इतना तगड़ा बदला लेगी कि ये कहीं के नहीं रह जाएंगे। अब आप सड़कों की बात कर रहे हैं, यहीं देख लीजिए लाइट के खंभे गड़े हुए हैं, ये सड़क चौड़ीकरण में है, अब बताइए इसके बाद फिर ये उखड़ेगा, पैसा किसका जा रहा है? सरकार कह रही विकास कर रही, पैसा किसका जा रहा है, नुकसान किसका हो रहा है, सरकार क्या विकास कर रही है? लाइट लगा दिए तब तक आप लोग सेवा लें, फिर उसके बाद फिर निकालेगा तो नुकसान किसका होगा? हमारे ही गाढ़ी कमाई का GST और तमाम चीजें का पैसा जा रहा है जो इसमें लग रहा है ना, तो हमारी गाढ़ी कमाई को इस तरीके पैरों से क्यों रोदा जा रहा है? आपकी जमीन यहाँ तक है तो आप अंतिम समय पर उस लाइट को लगाएं जिससे सड़क चाहे जितना चौड़ी हो कि वो लाइट न टूटे, हमारे पैसे का सदुपयोग हो, साल दो साल चार साल चले, ऐसा नहीं कि एक ही महीने बाद वो फिर उखड़ जाए, ये एकदम गलत है सरकार का रवैया, और सरकार एकदम निरंकुश है, सरकार को पता है कि मैं पब्लिक के वोटों से नहीं जीत रहा हूँ, मैं अपने बेईमानी से जीत रहा हूँ, इसलिए सरकार निरंकुश है, सरकार लगातार अत्याचार पब्लिक के ऊपर कर रही है।
अच्छा अत्याचार की बात हुई, क्या अत्याचार हुआ, कुछ दो चार हमारे दर्शकों को गिनाते चलिए। अत्याचार तमाम हुआ, तमाम महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, उनका जो है रिपोर्ट नहीं लिखा जा रहा है, थाने पे दलाली चालू है, आप कहीं भी ऑफिस से चले जाइए बगैर पैसे का कोई काम नहीं हो रहा है, अब इससे बड़ा अत्याचार आपको क्या देखने को मिलेगा। कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बना दिया, अब जब भ्रष्टाचारी ही उस पे बैठा हुआ है तो उसको क्या दिखेगा, हत्यारा ही बैठा हुआ है उस पे क्या दिखेगा उसको। माननीय मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ, 47 मुकदमे लेके बैठे हुए हैं, उनको क्या दिखेगा बताइए आप, क्या दिखेगा उनको। अगर मैं हत्यारा हूँ तो कहीं हत्या हो रही तो मुझे क्या दिखेगा कि हत्या नहीं हो रही है, हत्यारे को हत्या दिखता है क्या, नहीं दिखता है, तो वैसे वहां बैठे हुए हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे उप मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो चाहे विधायक हो, ज्यादातर वही है। आप कुलदीप सेंगर को ले लीजिए, पूरा खानदान उस बच्ची का खत्म कर दिए, क्या न्याय मिला उसको, न्याय मिला, अभी तो जेल में चले गए ना वो, जेल में तो चले गए, उनको न्याय मिला। स्वामी चिन्मयानंद को आप देख लीजिए, न्याय मिला उस बच्ची को, अभी बिल्किस बानो वाला केस निकला, उसको इतनी स्वागत सत्कार से ले जा रहे हैं, न्याय मिल रहा है उस बच्ची को। बिल्किस बानो का भैया ने जिक्र किया, आपको बताता चलूं कि बिल्किस बानो को अभी हाल फिलहाल में जो है उनके जो भी आरोपी थे उनको रिहा कर दिया गया, और भारतीय जनता पार्टी के कई नेता और कई लोग ने माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया, जिसपे सुप्रीम कोर्ट के DY चंद्रचूड़ ने इस पे टिप्पणी की और दोबारा वो जेल में चले गए। ओ चले गए, ठीक है, अब मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने जब हस्तक्षेप किया तब चले गए, तो इससे क्या आप लगता है कि ये जो है कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, भ्रष्टाचारी का आप स्वागत करेंगे तो भ्रष्टाचार कहाँ से खत्म हो रहा है। महिला पहलवानों पे मुद्दा, महिला पहलवानों को आप देख लीजिए, जेल नहीं गया वो ब्रिजभूषण शरण सिंह, जेल नहीं गया, उसके बाद भी उसके बेटे को टिकट दे के आप जितवा रहे हो, क्या है, आप कहाँ भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हो, भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर रहे, भ्रष्टाचारी लोग और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और बन गई देश गुलाम हो जाएगा, देश बिक जाएगा, देश 75 साल पीछे चला जाएगा, वैसे भी हम बांग्लादेश से पीछे चले गए हैं, नेपाल के बराबर चले गए हैं, सब कुछ देखिए ना आप क्या हो रहा है, सोना यही 14 में जो है 28,000 में था, यही सोना 78,000 पहुंच गया, कौन नथनी छीन रहा है, कौन मंगलसूत्र छीन रहा है। आपके प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि आप नथनी और मंगलसूत्र, जिसको मंगलसूत्र के अपने नहीं रक्षा कर पाए और दूसरे को क्या करेगा, क्या करेगा उसको, दूसरे के बीवी बच्चों से कोई मतलब है, कोई मतलब है, अपना पेट भर जाए बहुत है। तो क्या लग रहा है फिर फूलपुर की जनता पूरी तरीके से तैयार है, पूरी तरीके तैयार है, बीजेपी को नकार देगी, यहाँ से समाजवादी पार्टी की जो है जो प्रत्याशी है वो चुनाव जीतेगा। अच्छा हाँ, बहुत कॉन्फिडेंट हो गया, पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, अगर ये सब लोग बेईमानी न किए तो, लेकिन बेईमानी करेंगे क्योंकि चिल्ला रहे पहले से ही कि नौ के नवो हमारा है, नौ को नवो हमारा है, लेकिन जनता इस चीज मान रही, नौ के नौ क्या जनता नहीं मान रही, जनता तो नहीं, जनता तो इनको एकदम देखना नहीं चाहती, किसी भी समाज से आप चले जाइए पूछ लीजिए, इनको देखना नहीं चाहती, लेकिन अब ये लोग अपना एन केन प्रकार चुनाव आयोग से अपना सेट करके अपना काम चला रहे हैं। चुनाव आयोग के भी कार पे आप सवाल उठा, चुनाव आयोग तो एकदम सबसे भ्रष्ट चुनाव आयोग है, मैं कहता वोटर लिस्ट में नाम मैं पिछली बार दिया हूँ लोकसभा में, इस बार नाम कट गया है, बताइए कैसे कट गया नाम हमारा, आप बताइए, आपका नाम कट गया, नाम कट गया कैसे कट गया आप बताइए, जब हम मैं चलो आया होगा आपने उस पे, क्यों आएगा, मैं आज 20 साल से वोट दे रहा हूँ तो कैसे नाम कट गया हमारा, आप बताइए कैसे, क्या नाम है आपका, हमारा नाम अमर सिंह यादव है, अमर सिंह यादव जी। अच्छा, इसमें जो है यादव को कहा जा रहा है कि बहुत टारगेट बनाया जा रहा है, टारगेट बनाया जा रहा है यादवों को, जेल में चले जाइए, जहाँ तमाम यादव ही बेचारे पड़े हुए हैं, अनायास ही पड़े हुए हैं, अनायास पड़े हुए, अनायास उनका घर गिराया जा रहा है, सब कुछ अनायास ही किया जा रहा है, करते रहे, वो तो हिसाब किताब उनका होगा, होगा हिसाब किताब होगा। क्या भैया, फूलपुर विधानसभा में चुनाव उपचुनाव देखते हुए 12,500 वोटर लिस्ट से नाम हटाया गया है, प्रमाणित है, SDM ने माना इस बात को, और क्या, फूलपुर में आप पता लगा लीजिए, चाहे जिस चुनाव अधिकारी से इस समय नियुक्त जो है, 12,500 वोटरों को, पुराने वोटरों को, जो जीवित है न मरा है न कहीं गया है कुछ नहीं है, उसको 12,000 वोटरों को हटा दिया गया है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात, आप पता लगा लीजिए, एकदम सच्चाई में बता रहा हूँ, क्यों हटाया गया इसको, अब आप बताइए, आप लोग यहाँ का, वो इसलिए हटाया गया उसी वोट को मतलब माइनस करने से उनको जीत मिलेगी। अच्छा, जिन वोटों को हटाया गया, मतलब उनको पता है कि ये वोटर हमारे नहीं है, नहीं है।
इसलिए हटाया गया। तो आप लोग जागरूक नहीं है इसके खिलाफ अधिकारी को? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बीएलओ को बीएलओ दिया जा रहा है, सोचिए पहले आप। बदले गए हैं बीएलओ? बदले गए हैं बीएलओ, हटाए गए। अच्छा, कितने बीएलओ बदले गए? अब दो तीन तो हम जानते हैं, नाम जानते हैं बीएलओ का, दो तीन नाम जानते हैं, लेडीज हैं। हाँ। एक प्रजापति है, एक जोन है यादव है, एक जो है वो क्या कहते हैं पटेल है। अच्छा, तीन बीएलओ को यहाँ से हटाया गया है। हाँ। उनके कार्यप्रणाली पे उन्होंने जो वहाँ लड़ा कंप्यूटर वाले साइड से सब। हाँ। कुछ एसडीएम सामने लड़ा, उनको तुरंत हटा दिया गया। तो फूलपुर में फिर अब के फूलपुर के जनता के मन में क्या है ये बता दीजिए। जनता के मन में यही है कि बदलाव चाहती है। बदलाव चाहती है, हो पाएगा बदलाव? क्या लगता है? हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा इस बार क्या भैया? हाँ, बदलाव होगा। दूसरी बात, जैसे हम यह कहना चाह रहे थे, जैसे हम यहाँ के नागरिक हैं। हाँ। और 40 साल है, हो गया है उम्र हमारी, अगर वोट कट जाता है मतदान होने से क्या फ़ायदा है? 5 साल पे चुनाव होता है, एक बार वोट देने का मौका हो मिलता है, तो जब हमें वोट देने का ही अधिकार नहीं रहेगा तो ऐसे वोट होने से और क्या मतलब है? आपको तो दो दो बार वोट करने का मौका मिल रहा है, 22 में, फिर 24 में फिर आ गए वोट। नहीं, वो तो अलग बात है। हाँ। मौका मिल गया, अगर यहाँ से चुनाव न लड़े होते तो मौका न मिलता। जैसे 5 साल मगर आया चुनाव देने का, वोट देने का मौका, हमारा वोटर सिस्टम नाम ही नहीं है। ऐसी व्यवस्था की जाए, आधार कार्ड से दे, जात प्रमाण पत्र से दे, ड्राइविंग लाइसेंस दे, कम से कम आदमी वोट तो दे ले, वोट देने से वंचित न रहे। क्या भैया क्या लग रहा है, क्या माहौल है यहाँ फूलपुर विधानसभा? भाजपा का लोग तो यहाँ काफी नाराज दिख रहे हैं भाजपा से। नाराज जो होंगे वही होंगे ना, जो नहीं नाराज हैं वो क्या होंगे? कुछ बताइए कार भाजपा के बहुत सुख, क्योंकि लोगों ने यहाँ पे हमें बहुत रोड से लेके सड़क से लेके आयुष्मान कार्ड से लेके हर चीज गिना डाला। अब आप भी कुछ गिना डालिए ताकि हमारे दर्शकों को पता चले यहाँ से भाजपा मजबूत है। बहुत कुछ कर रहे हैं भाजपा, रोड बनवा रहे हैं, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। ये सपा में तो गुंडागिरी था। अच्छा ये बताइए, इतना बढ़िया अगर भाजपा ने किया तो अपने प्रेसिडेंट जो केसरी देवी पटेल 2019 में जीती सिटिंग पीएम एमपी को क्यों बदल दिया गया? आपके जो सांसद जीते आपने दोबारा टिकट नहीं दिया उन्हें? अगर कार्यकाल कार्यकाल बढ़िया था तो उनको तो फिर और ज्यादा बढ़िया सपोर्ट करना चाहिए, वोट देना चाहिए उनको, क्या कहते टिकट देना चाहिए। उनका टिकट ही काट दिया तो प्रवीर पटेल ने टिकट लिया। प्रवीर पटेल यहाँ फूल के रहने वाले हो, लेकिन टिकट आप काट देते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके सांसद पे तो घेरा में आ ही रहे ना, तो कैसे देखते हैं ये सब चीज को? महंगाई दिखती है आपको? हाँ महंगाई है। तो फिर आप बता रहे एक तरफ महंगाई भी है, आप भाजपा अच्छा काम कर रही है हम जानते हैं। अच्छा 5 कार हमें फटाफट गिनाइए भाजपा के जो अच्छे कार। 5 कार बता दीजिए, हम भी आपको आपके तरफ से वो थोड़ा समझेंगे ना, कि ताकि हम भी जाने लोग से यही बात करते हैं। हमें ना पता हो शायद हमको सब सच्चा है। ये रोड बन रहा है चारों तरफ भाजपा में, यही अच्छा। अभी वो डॉक्टर साहब उधर बैठे हैं आपके बगल में, उन्होंने बताया बगल में प्रवीण पटेल के गाँव में और ससुराल ननिहाल में कह रहे गिट्टी बिछा है। प्रवीण पटेल के ससुराल में? हाँ हाँ, तो वो बन रहा है ना, पहले नहीं बना इतने कार्यकाल में, सपा कार्यकाल में बना है वो। क्या भैया बना नहीं था? किस कार्यकाल में बना? कौन था आप? 15 साल से आप थे? अरे वो विधायक भी तो थे। 15 साल से तो किसकी जिम्मेदारी है? फिर हम 22 में विधायक आपको बना दिया जाता है, आप वही पूछ रहे हैं किस कार्यकाल में बना था वो? 17 से ही विधायक है। 17 से किस कार्यकाल में बना? हमको तो 17 से अब तक मौका नहीं मिला बनाने का। 17 से अब तक मौका नहीं मिला बनाने का मौका। जब देखिए, जब कोई हमारे गांव में एक नाली के लिए बजट दिया था विधायक जी ने, प्रवीण पटेल ने। हाँ। ठीक है। हाँ। 2,25,000 का। हाँ। दो लाख 25,000 का बजट दिया था वो, उनके वो कह रहे थे नाली इधर से नहीं बनेगी। हाँ। लेकिन जो वहाँ पर कनौजिया थे, धोबी थे, बिंद थे, जिनकी वोट इनको खास मिलती है। हाँ। हम भी उसी बिहारी में। अच्छा। तो उनको जो है आरोप पे मतलब रास्ता मतलब उनके बगल से न जाए। हाँ। उनके कहने से वो बजट वापस उन्होंने कर लिया। अच्छा, आज ये भी हो रहा है? आज आप समझ लीजिए कि यहाँ इतना पानी वहाँ पर लगा है।
इतना पानी बीजेपी को वोट देने वाले आपसे बात करने में हट रहे हैं, वो सामने आकर बात नहीं कर पा रहे हैं, तो और कौन करेगा बात? इन लोगों तो ये बोल रहे हैं हम बीजेपी अच्छा काम कर रही है, तो ये आए अपना काम ही नहीं गिना पाए, और उसके बाद ये बात भी करने से आप तो ओपन चैलेंज कर रहे हैं आप तो। नहीं, इनको अगर अच्छा काम है तो ये सामने आकर बोले ना कि क्या अच्छा काम। भैया इनको गिना दीजिए, बढ़िया काम गिना दीजिए आप। अरे गिना दीजिए, चुप करा दीजिए इनको आप, गिना के चुप करा। काम जो जो कर रहे हैं वही दिखाई दे रहा है ना। क्या काम थोड़ा बता दीजिए। हम तो बता तो रहे ना, रोड का काम अच्छा हो रहा है हमारे नगर में। रोड का काम अच्छा हो रहा है, ये क्यों बता नहीं रहे? और पांच काम अपना गिना देना। अरे तो हमको पांच काम गिना दीजिए। चलिए रोड हो गया, चार गिना दीजिए फटाफट। चलिए गिनाइए जल्दी चार काम। दो कह रहे हैं अब बताइए। और ये पहली बात, ये भाग क्यों रहे हैं? जब ये सपोर्ट करते हैं, जब ये भाग रहे हैं तो बीजेपी और सामने लोग क्यों नहीं भाग रहे? मेरी पार्टी है, कहाँ गिनाए तो इनके बड़े नेता है, सांसद ही हमारा गिना सकते। रोड बनते समय ये पहले खम्भा गड़ा दिया जाता है, उसके बाद रोड बनाया जाता है, उसके बाद फिर उसको खुदाई की जाती है, पाइप डाला जाता है। ऐसा थोड़ी कोई काम होता है। रोड बना जाए उसको पहले मेंटेन किया जाए ना। आप लोग ने तो बोलती बंद कर दिया है एकदम भाजपा की। भाई यहाँ से ये विधायक थे वर्तमान में और सांसद होते हैं और 18,000 रोड से यहाँ हार जाते हैं। हाँ। तो क्या विकास इनका दिख रहा है? हमको तो नहीं लगता इनका विकास है कहीं पे, इसीलिए तो ये लोग पांच काम गिना नहीं पाए। अच्छा। हमें तो नहीं लगता है। यहाँ से हम लोग 18,000 से लोकसभा जीते थे, अब विधानसभा में हम लोग 50,000 रोड से जीतेंगे। हाँ, इस बार यहाँ पे कितने वोटों से? क्योंकि आपके जो अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि 30,000 ज्यादा वोटों से हम लोग जीतेंगे क्या? हाँ ये सही है, हम लोग जीतेंगे 50,000 वोट से हम लोग जीतेंगे। 18,000 से लीड किए थे, 18,000 वोट से उसी बार यहाँ हम लोग जीते थे। ये विधानसभा हम लोग वहाँ जीते थे। अच्छा जीते थे। हाँ यहाँ से जीते थे। हाँ भैया 18,000 सांसद में इनको हराए हैं हम। हाँ अभी 50,000 से जीतेंगे। बेमानी न चाहिए तो अगर वर्तमान विधायक हो के यहाँ से 18,000 वोट से हार जाते हैं तो हम कैसे कहेंगे कि यहाँ से उपचुनाव जीत जाएंगे? हम नहीं कह सकते। अगर बेईमानी करेंगे हो सकता है भाई जीत सकते हैं, लेकिन वो जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि 2022 के चुनाव में बेईमानी किए हैं, लोकसभा चुनाव में बेईमानी किए हैं। बेईमानी हो जा रही है, आप लोग देखे हुए, आप लोग हम कह रहे हैं गिनती हो रही है। उसके बाद 28 चक्र में आपके गिनती समय आप रुक जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि मशीन काउंटिंग में मशीन गड़बड़ हो गई है, तो हम नहीं मान सकते। हाँ काउंटिंग रुक जाती है, उसके बाद में पता लगता है कि भाई हरा डायरेक्टली हरा दिया जाता है, ऐसा सिस्टम है ना। 1 घंटा लाइन दे रहे हैं गांव में। हाँ, ठीक है। हाँ, जब वहाँ काउंटिंग होने लगती है तो वहाँ क्यों 10 बार लाइट कट जाती है? कहीं ना कहीं संदीप घेरे में है, बस यही है। बहरहाल आप लोग ने मन बना लिया इस बार उपचुनाव में। साइकिल जीतेगी यहाँ से, साइकिल। तो ये है यहाँ पे उपचुनाव का हाल। जैसा कि आप देखें कि भाजपा की तरफ से लोग बोलना भी चाह रहे हैं, पांच कार अपना नहीं गिना पा रहे हैं, ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। बहरहाल यहाँ पे उपचुनाव बहुत रोचक है। लोग जानना चाह रहे हैं कि वाकई क्या फूलपुर में, जो कि सबकी नज़र में हॉट सीट नज़र आ रही है, लोग मान रहे हैं हॉट सीट है, सपा आज तक बहुत कम मार्जिन से यहाँ हारते नज़र आ रही है, हर बार हार जा रही है, अब की शायद ये भरम टूट पाएगा, अब की लग रहा है टूट जाएगा तो अब की। बहरहाल जनता जो कह रही टूट पाएगा, लेकिन ये तो वक्त बताएगा। और भी लोग से बात करेंगे और फूलपुर विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहा है इसका क्या वाकई माहौल भाजपा के खिलाफ दिख रहा है या नहीं, या बेहतर समझ सकते हैं। और भी लोग से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अहमद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।